Hello students, today 25th of February and we are discussing quant aptitude quiz for SSC examinations. Our today's topic is profit and loss. Our first question is, Arun sold 18 toys for 16800, gaining thereby the cost of 3 toys. Find the cost price of a toy. ये कह रहा है कि अरुण ने 18 खिलौने 16800 रुपए में बेचे. अब 18 खिलौनों का जो SP है वो 16800 है. अब इसने कहा तीन खिलौनों के CP के इक्वल इसने प्रॉफिट अर्जित प्रॉफिट गेन किया, तो मतलब ये होगा ये 21st खिलौनों का CP का इक्वल ही होगा जो 18 खिलौनों का SP होगा. तो मतलब ये 16800 है जो 21st खिलौनों का CP है. तो एक खिलौने का CP कितना हो गया 800 by 21st 800. ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ अ शॉपकीपर सेल्स अ मिक्सर एट द रेट 11400, देन ही सफर अ लॉस ऑफ 5%. एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द मिक्सर टू गेन 10%? अगर कोई मिक्सर 11400 में बेचा जाता है तो उसे 5% का लॉस होता है. मैं मान लेता हूँ अगर सीपी मेरा 100 है तो एसपी होता 95x = 114 11400, ठीक है. अब इसने कहा कि 10% का लाभ कमाना, तो इसी सीपी पे 10% का लाभ, नई एसपी क्या होगी 110x. तो ये हो गया 95x = 11400, देन 110x = 11400 by 95, और 110x = इसको 110 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 5 4 6 2 12 12 132 100 13200. ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. To dispose of the old stock, a person sold a tea set for 68400, which was 43% below the cost price. In order to make a profit of 20%, the seller should have sold the set for rate. अगर वो 68400 में बेचे तो which is below the cost price, मतलब 43% कम है. तो मैं वाला अगर 100% ये कॉस्ट प्राइस हुई तो 43% अगर निकाल दूँ इसमें से, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस आएगी. अब इसको 120% का लाभ कमाना दो तो 120% का लाभ 100, तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा. जैसे अब मैं इसको अगर काटूँ ये हो गया मेरा 68400 by 57 into 100, तो 120 by 100, ये 100 से 100 गया 57, ये 3 से ये 40 टाइम और ये 90 टाइम 19 टाइम 19 को 20 से काटो तो ये हो गया 93 then 1 1 4 और ये 6 36 टाइम्स 36 into 4 144 100. ये हो गया ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो गया 144. यहाँ क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग एरर है क्योंकि हमारे पास 144000 बचता है जबकि ऑप्शन में यही है 14400. तो यहाँ प्रिंटिंग एरर ये है कि 68400 है, 6840 नहीं कि 68400, 6840. ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा 14400. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अ ग्रैंड ट्रेडर हैज 100 बैग्स ऑफ राइस. ही सोल्ड सम बैग्स एट 10% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 20% प्रॉफिट.
His overall profit on selling these 100 bags was 14%. How many bags did he sell at 20% profit? इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा मिक्सर एनालिगेशन में सॉल्व करने से आसानी से हो जाता है. ये 10% प्रॉफिट हमेशा अपर में प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज रखा जाता है, नीचे आपके क्वांटिटी का रेशियो आता है इस टाइप के मिक्सर में. ये नेक्स्ट क्वांटिटीज 20% ऑफ प्रॉफिट, ओवरऑल 14% प्रॉफिट, ये हो गया 4%, ये 6%, सॉरी ये 4 और 6, ये 3:2. ये आ गया आपका क्वांटिटी का रेशियो. अब इसने 100 बैग बताया था और 20% वाले को बोलते 20% के 3:2 में, तो 100 by 3 + 2 × 2 देन 40 kg. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If the selling price of two horses is same, but one sells at 20% profit and another at 30% loss, then what is the overall profit and loss percentage in this transaction? Selling price दोनों का same है. तो अगर मैं मान लूँ कि 20% profit मतलब 5 CP, तो SP हो गया 6, and 30% loss का मतलब 10 CP then 7 SP. तो इसने कहा है कि ये दोनों इक्वल है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 6 से, तो इसको 6 और ये 7, ये हो गया 35 और ये हो गया 60. अब इसने कहा टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना होगा, इसे प्रॉफिट कितना होगा, 35 में खरीद के इसने 42 में बेचा है तो 7 का तो प्रॉफिट हुआ. अब लॉस कितना हुआ, 60 में खरीद के इसने 42 में बेचा है तो लॉस कितना हो गया, 18 का. तो ओवरऑल लॉस कितना हो गया, 13 का. अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ये 35 और ये 60, तो टोटल 95 × 100, ये हो गया 90 × 20 = 260/19. एक मिनट, यहाँ एरर हुई हमसे, ये 18 में से 7 निकालेंगे, 11 आएगा, तो फिर ये 220 आ जाएगा, 220/19. ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ABC इन्वेस्ट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, द टोटल इन्वेस्टमेंट बजट रेट 3 लाख, बी इन्वेस्टेड रेट 15,000 मोर देन ए एंड सी, more than A, and C invested 25,000 less than B. If the profit at the end of year was 14,400, then what is the C share of the profit? अब इसने क्या किया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना 3 लाख का है, ए बी सी, मैं मान लेता हूँ ए की अगर X इन्वेस्टमेंट हुआ तो B का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 50,000 ज़्यादा, X प्लस 50,000, और C का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 25,000 लेस देन B, X प्लस 25,000. टोटल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का, उसमें से हो गया 3X + 75,000, ये हो गया 2,25,000 = 3X, ऐसे X = 75,000. तो ए ने इन्वेस्टमेंट किया 75,000, बी ने 1,25,000 और सी ने 1 लाख, तो इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो हो गया 3 × 3 = 3, 5, 4. अब इसने पूछा सी का लाभ का हिस्सा, 14,400 में से 14,400 × 3 + 5 + 4 × 4, तो ये कट गया 12 और ये हो गया 4800. ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ ट्रेडर सेल्स टू आर्टिकल फॉर रेट 14,784 ईच. इफ ही गेन्स 12% ऑन वन एंड लॉसेस 12% ऑन अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लॉस.
14,784 प्रत्येक को बेचा है। एक अगर 100 इसका सीपी हुआ था तो ये उसका एसपी हो गया 112, दूसरे का 100 सीपी हो गया तो 88 एसपी हो गया। अब अगर मैं इसका 12 इसका प्रॉफिट निकालूं, ये हो गया 14,784 बाई 112 इंटू 12, ये तो हुआ इसे प्रॉफिट। और 14,784 बाई 88 इंटू 12, ये हुआ इसे लॉस। तो इसका लॉस कितना होगा? लॉस हो गया अगर हम कैलकुलेट करें ये चीज़, ये हो गया 7,392.56 एंड 8,717,45,427,642,8 और 8 से ये कट गया 3 टाइम्स 4 से, और ये 2 से कट गया अपना 2 से कट गया 78 इंटू 3, ये तो प्रॉफिट हो गया। अब इसका लॉस कितना होगा? 11,111, 11,11, 3,7,3, देन 4,8,4,4 और 8 से ये कट गया 3 टाइम्स और ये कट गया 8 से 2 टाइम्स और ये वापस हो गया 6,72 इंटू 3, एक मिनट, यहाँ पे हमसे एक एरर हुई है। अगर 14,784 बाई 112 इंटू 12 करें, ये कटेगा इससे 7 इंटू 8 इंटू 2, तो 7 टाइम्स 2 1 1 और 2, ये 7 से गया और ये जाएगा 2 से 1 0, देन 5 6 और ये 2 से और चला जाएगा 5 28 28 3 5 28 इंटू 3 और ये हो गया 6 72 इंटू 3, तो इनका डिफरेंस हो गया 5 28 इंटू 3, निकाल देते हैं तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 4, फोर एंड 4 1, 144 इंटू 3, 4 3 12 4 3 12 1 13 1 3 9 1 और 432, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग सम अमाउंट ऑफ इन द रेशियो 5:6, सी जॉइंट आफ्टर 6 मंथ विद एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू 2/3 ऑफ ए बी 2/3 ऑफ बी, व्हाट वाज देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ सी गॉट इट 21,600 एज हिज शेयर। ए बी एंड सी ने 5:6 में इन्वेस्टमेंट किया, आफ्टर 6 मंथ, इनका 12 मंथ पूरा रहा, इनका 12 मंथ पूरा रहा, इनका 6 मंथ रहा, 6 मंथ 2/3 ऑफ बी, तो 6 × 2/3 इंटू 6 मंथ, ये हो गया 2 24 72 और 60, इनका रेशियो आ गया 6 से 10, सो 12 से काटें 6 5 देन 2। अब ये कह रहा है कि सी गॉट 21,600 रुपये जो कि 2x है, 2 यूनिट है, तो उनका टोटल लाभ कितना हो गया 5, 6, 6, 11 एंड 13, ये हो गया 10, 1,080, तो 108/13
गया 26 30 104 10 0 0 13 और 1 108 13 834 214 3 and 1 0 8 0 4 4 1 4 0 4 00. देन ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ सेलिंग लैपटॉप ऑफ 5 लैपटॉप इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 लैपटॉप फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट. 5 लैपटॉप्स SP इक्वल टू 4 लैपटॉप्स CP. तो CP रेस टू SP हो गया आपका CP 5 4. सीधी सी बात है लॉस होगा. लॉस कितना होगा एक यूनिट का और लॉस CP होता तो लॉस परसेंटेज हो गए. लॉस परसेंटेज इक्वल टू 1/5 200 20% लॉस. 20% लॉस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 2:5 एंड 50% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी. इफ ए शेयर इज रेट 3.6 लैक्स द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ऑफ टोटल प्रॉफिट इज रेट इन लैक्स. 2:5 में इन्वेस्टमेंट करते हैं 50% होता जो चैरिटी में जाता है. तो ए का शेयर कितना है प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट रेशियो में प्रॉफिट मिलता है. तो ए का शेयर अगर 3.6 लाख है तो टोटल कितना होगा 3.6/2×7. अब ये अगर 50% है तो इसको मैं 2 से और मल्टीप्लाइड कर दूं. ये 2 से 2 गया 3.6×7 25.2. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Two businessmen A and B invest in a business in the ratio 5:8. They decided to reinvest 30% of the profit they earned back into the business. The remaining profit they distributed among themselves. If A's share of the profit was 87,500, then how much profit did the business make? ये भी same type का question है. 87,500 रुपए अगर A का share है तो टोटल प्रॉफिट हो गया 8,513. अब इसने कहा कि ये आपका 70% ही है क्योंकि 30% ही इन्वेस्ट होता. तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 7×10. ये हो गया 7 से 1 2 3 5 7 5 5 एंड 125 से 25 25 13 400 25 13 हो गया 25 325 00 32,000. तो ये 10 भी था ना 000 3,25,000. इसमें ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% द सेम एज गिविंग वन डिस्काउंट ऑफ. सक्सेसिव डिस्काउंट हमेशा निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100. यही फॉर्मूला मैं यहाँ रख देता हूँ 2 − 20×20/100. तो ये हो गया 36%. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अनुष्का सोल्ड ऑन ए सी एट 7% गेन हैड इट बीन सोल्ड एट 960 मोर देन गेन वुड हैव बीन 11% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ए सी वॉज. हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है. तो इसने कहा कि 7% गेन हुआ है उसे. अगर ये 960 और में बेचती तो उसे 11% का प्रॉफिट होता. मतलब ये 4% सी पी का 4% 960 है. कहने का डायरेक्टली मतलब ये सी पी का 4% अगर 960 है तो उसका 100% बताओ. 960/4×100 ये हो गया 24,000. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ रिटेलर मार्क्स अप
his books by 150% and offers 40% discount, what will be the selling price if the cost price is 800? मैं मान लेता हूँ इसका 100 अगर प्रॉफ ये कॉस्ट प्राइस है तो मार्क्स अप इज गुड्स बाय 150%, तो ये 150 मार्क करता है. अब इस पे 40% का डिस्काउंट दे दिया इसने. इसने 150% से मार्कअप किया, मतलब 100 को अगर मैं 150% और जोड़ दूं तो ये जाएगा मेरे 250, 250 पे इसने 250 अगर मार्केट प्राइस है तो इसने 40% डिस्काउंट दिया, मतलब ये 60% इसका अगर निकालें तो ये होगा 150. मतलब इसका 150 अगर 100 सीपी होगा तो 150 एसपी होगा, तो अगर 800 सीपी होगा तो 150 एसपी मतलब 1200 एसपी होगा. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A rate 1000 box of cookies is offered at 10% discount and a rate 400 bar of chocolate has 8% discount. If we buy 2 boxes of cookies and 3 bars of chocolate, what is the effective discount we get? अब 1000 रुपये का एक बॉक्स है, उस पर हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है. 400 रुपये की एक चॉकलेट है, 12 चॉकलेट, जिस पर 8% का डिस्काउंट मिल रहा है. 2 बॉक्स खरीदने पे हमने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए, डिस्काउंट कितना मिला? 10%, 200 रुपये. ठीक है, 2 बॉक्स ऑफ कुकीज़ एंड 3 बॉक्स ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट के 3 बॉक्स खरीदने पे 1200 का इन्वेस्टमेंट हुआ और इस पर डिस्काउंट कितना मिला? 8%. 12 × 8 96. अब टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 296. इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1200, 2000, 3200. तो परसेंटेज में हो गया 200. तो परसेंटेज आ गया आपका 296, 3200. ये हो गया आपका 9.25%. ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर होगा. ओके गाइस, आज का क्यूज़ हमारा कंप्लीट हुआ. इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, दिन बहुत कम बचे हैं आपकी तैयारी को. अड्डा 247 के क्यूज़ लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और हमारी ई बुक्स भी, और एक जियोमेट्री एडवांस मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, इनकी हमने एक स्पेशल बुक्स क्रैकर बुक्स भी लॉन्च की है. आप उसको भी अड्डा 247 के स्टोर से एक्सेस कर सकते हैं. वो आपके लिए एडवांस की एक बहुत ही अच्छे तरह से वैल्यूएबल कंटेंट देके बनाई गई बुक है. ओके गाइस, थैंक यू.